हेलो एवरीवन, ग्लेशियर का तेजी से क्यों मेल्ट होना, सी लेवल बढ़ने से क्या खतरा हो सकता है, ग्लेशियर मेल्ट होने से वेदर पैटर्न पे क्या इफेक्ट होता है, उसके साथ हिमालयन ग्लेशियर का क्या सिचुएशन है, ये सब जानने से पहले ये जानते हैं सी आइस और ग्लेशियर के बीच में डिफरेंस क्या है और ग्लेशियर क्यों जरूरी है हमारे लिए। सी आइस जो है वो ओशियन में फॉर्म होता है और वहीं पिघलता है, जबकि ग्लेशियर फॉर्म होता है लैंड के ऊपर। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है क्योंकि वो धरती के ऊपर है, तो मेल्ट होने के बाद पानी बनके समुद्र में जाके मिल जाता है, जिसके वजह से समुद्र में वाटर लेवल बढ़ता है। वहीं सी आइस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखे होंगे ग्लास में पानी है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है। जब वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो भी पानी का लेवल ग्लास में बढ़ता नहीं है। ये बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब हम बर्फ का टुकड़ा डालते हैं ग्लास के वाटर में तो जितना वेट है आइस का इतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, जिस वजह से बर्फ पिघलने के बाद भी वाटर लेवल सेम रहता है। सी आइस का भी यही कॉन्सेप्ट है, सी आइस मेल्ट होने के बाद भी सी के वाटर लेवल में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब समझते हैं ग्लेशियर क्यों जरूरी है। आइस हमारे अर्थ और ओशियन के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है। आइस करता ये है, जब सूर्य से लाइट अर्थ पे आता है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो जो भी एक्सेस हीट है उसे फिर से स्पेस में भेज दिया जाए, जिसके वजह से हमारा प्लेनेट ठंडा रहता है। इसके वजह से ही आर्कटिक ज़्यादा ठंडा रहता है इक्वेटर के मुकाबले, क्योंकि वहाँ आइस बहुत ज़्यादा है। ग्लेशियर के स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कितना तेजी से प्लेनेट गर्म हो रहा है। इस डेटा का यूज़ करके साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं आने वाले समय में कैसे क्लाइमेट चेंज होगा। आज के समय अर्थ का 10% लैंड एरिया ग्लेशियल आइस से ढका हुआ है, जिसका 90% भाग सिर्फ अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में तेजी से बर्फ पिघलने से ओशियन के करंट को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ठंडा ग्लेशियस मेल्ट वाटर समुद्र के गर्म पानी में जाके मिलता है, जो ओशियन करंट को स्लो कर देता है। और जैसे जैसे ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है सी में वाटर लेवल और ज़्यादा बढ़ते जाता है। 1900 के दशक के शुरुआत से दुनिया भर में कई सारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद हैं, खास करके जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है दुनिया में, तब से CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत तेजी से एमिशन हुआ है। इसके वजह से पोल्स में टेम्परेचर बढ़ा है, जिसके वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहा है तेजी से और टूट टूट के समुद्र में गिर रहा है, और धीरे धीरे ग्लेशियर लैंड पे पीछे की तरफ खिसक रहा है। ये सब घटना पूरे विश्व को अफेक्ट करता है। वेदर पैटर्न चेंज होने से समुद्री तूफान और सुनामी की घटना में और तेजी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से धरती और समुद्र पे रहने वाले जीव के जीवन में खतरा मंडरा रहा है। अगर हम हिमालयन ग्लेशियर की बात करें तो 2019 के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमालयन ग्लेशियर दोगुनी तेजी से पिघल रहा है। यह एनालिसिस किया गया है पिछले 40 साल के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन पे, जिसमें इंडिया, चाइना, नेपाल और भूटान एरिया को ऑब्जर्व किया गया है। इसका कारण है टेम्परेचर में लगातार वृद्धि। 2000 से 2016 तक एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुआ है, जो पिछले 15 साल 1975 से 2000 तक थी। आप खुद सोच लो, इतना तेजी से टेम्परेचर राइज होना हमारे भविष्य के जीवन में कितना बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। आज हर देश बस ये देख रहा है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी आगे बढ़ाएं और ज़्यादा ताकतवर बने। इस चक्कर में हम अपने नेचर को कुचलते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें अगर प्रकृति ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।